नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए हरी मिर्च और टमाटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला रेसिपी है, जिसके लिए मैंने लिया हरा मिर्च। ये लंबा वाला हरा मिर्च है जो कि तीखा कम होता है और स्वाद इसमें बहुत होता है। तो सबसे पहले मिर्च को काटेंगे। मिर्च के डंठल को हम पहले हटाएंगे, इसे हम बारीक काट लेंगे बड़े बड़े पीसेस में। मैंने सारे मिर्च को काट लिया है। 250 ग्राम मिर्च में हम 4 टमाटर डालेंगे, तो टमाटर को भी हम बारीक कट कर लेंगे। तो टमाटर को भी मैंने कट कर लिया है। पैन में हम 2-3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, सरसों का तेल डालें। तेल को गर्म होते ही इसमें हम आधा छोटा चम्मच राई के दाने डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 पिंच हींग, मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक तेल में। अब इसमें हम कटी हुई मिर्च डाल देंगे। मिर्च को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे तेल में। 2 मिनट हो चुका है, तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें टमाटर को डाल लेंगे। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाला है हमने। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाल दें। मसाले को मिक्स कर लेंगे। तीन मिनट हो चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।